अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जौहर के अंदर खुल गया है सबसे बड़ा और सबसे अमेजिंग लाहौरी नाश्ता, तो बात गलत नहीं होगी। मतलब पूरा कराची में कहीं नहीं मिलेंगे, मुर्ग छोले हैं और ये जो बोंग पाए ना, माशाल्लाह हमें तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। नान तिलवाले हम बहुत पसंद करते हैं और लस्सी भी आई थिंक बेस्ट होगी। गाइस हम लोग 6:30 बजे से आए हैं और बज रहे हैं इस वक्त 8 और अभी तक हम लोगों को अपना नाश्ता नहीं मिला है। क्यों इतना रश है, इस कदर रश है? कहते हैं ना लोग, मैंने सुना भी है कि जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा तो हमारा जौहर है। अब एक जौहर के अंदर जब एक छोटा सा लाहौर खुल रहा है, वो भी एक रेस्टोरेंट, तो क्या ही बात है यार। वो लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, इन लोगों ने जो है हमारी आवाम को जो है सुबह 6 बजे उठा दिया है। कराची के अंदर जो है लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हर कम्युनिटी का जो है वो लाहौरी मुर्ग चने को लाइक कर रहा है। आप देख भी सकते हैं कि ऑडियंस मेरे पास आ रही है। बस ऑडियंस का सबसे ज्यादा इश्यू ये है कि भाई सर्विस नहीं मिलती, और जो मेन शेफ है वो मेरे वाले साहब खुद हैं और हम पक्के लाहौरी हैं। ठीक है, लाहौरी टेस्ट कराची के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं स्पेशल कराची वालों के लिए। वो पाए हैं बोंग पाए, मुर्ग चना, मटन चना, कोफ्ता चना, अंडा चना, शाही दाल है मेरे पास यूनिक आइटम, और उसके साथ कुलचे होते हैं। और स्पेशल जो यूनिक चीज है वो ऑथेंटिक पेड़े वाली लस्सी आपको कराची में अवेलेबल मिले। अगर आपको प्रॉपर लाहौरी टेस्ट चाहिए ना, तो आप इधर आ सकते हैं, कमाल का टेस्ट है। और इधर के जो मुर्ग छोले हैं और ये जो बोंग पाए ना, और मैंने ज्यादातर यही देखा कि यहाँ पे जो पंजाब के लोग होते हैं वो यहाँ का वहाँ का टेस्ट मिस कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके खाते हैं। मैं आप लोगों को बोलूँगा जरूर ट्राई करें। इसने लोग कहते हैं ना जो लाहौर नहीं गया वो जमिया नहीं, और लाहौर के खाने बड़े मशहूर हैं और लोग जो है ना बड़े मिस करते हैं लाहौर के जो पाए, निहारी वगैरह, ये सारी चीजें। यहाँ जायका अच्छा है, लेकिन पब्लिसिटी बहुत हो गई इनकी माशाल्लाह से, इसलिए रश बहुत है, इनके पास स्टाफ बहुत कम है, सर्विस बिल्कुल नाकिस है। खाना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। ये यहाँ पे इतना अच्छा खाना होता है, ये इतना अच्छा खाना मिला, और अब मैंने इनसे कहा कि नेक्स्ट टाइम फिर आओ। टाइम टू टाइम होता है, मेरा लाहौरी टाइम है सुबह 6:30 बजे। चलोगे आगे कोई बोल सकता है क्या? जैसे घर में आप लोग मक्खन निकालते ना, ये बिल्कुल वैसा वाला मक्खन है, और इसकी निशानी ये है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे आए हुए ये हैं कोफ्ता, अंडे, मटन चने, ठीक है जी। वो हमने लाहौर में सलीम बट के चने दिखाए थे, अब लेट्स सी, वहाँ पे भी मैंने यही चापें उठाई थी, सही है जी। अब यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह का कैसा टेस्ट है, इसको हम लोग डिश आउट करते हैं। ये देखें, मैं आपको उठा के दिखाती हूँ, देखो ज़रा। ओए होए यार, देखने में तो काफ़ी अपीलिंग लग रहे हैं भाई। कहते हैं ना कि भाई असली बंदा जो फूडी होता है ना, वो पहले आँखों से खाता है, उसके बाद प्लेट में निकाल के खाता है। तो हमने इधर निकाल लिए अंडे, ये रहे कोफ्ते और साथ में चने। अच्छा, चनों की ना ये खासियत होती है, जो लाहौरी होते हैं ना वो खड़े चने बनाते हैं, ठीक है, कराची वाले छिलकों के साथ बना रहे होते हैं, और जो लाहौरी होते हैं वो बनाते हैं चने क्या बगैर छिलकों के। तो यहाँ पे भी बगैर छिलकों का चने आपको मिल रहे हैं, ये देखें ज़रा, गोश्त देखें कितना टेंडर है, रेशा रेशा गोश्त में हुआ हुआ है भाई। ये रहे कुलचे हमारे पास। अच्छा, ये कुलचे आप देख रहे होंगे सॉफ्ट है, क्यों? क्योंकि मुझे कड़क कुलचे नहीं पसंद, तो भाई कुलचों के ऊपर जो है फौरन उन्होंने यहाँ पे मुझे मक्खन मार के दिया है भाई। अंडा हमने यहाँ पे तोड़ा है, और एक लुकमा हम बनाते हैं इधर, और ये रहा, ओह अच्छा, ये चिकन का कोफ्ता है, ठीक है जी। इस पर भी हमने फुल चिकन का कोफ्ता, मटन का पीस उठाया है, टेंडर मीट हुआ हुआ है, परफेक्ट गला हुआ है। कोफ्ते बहुत मज़े के बने हुए हैं, मतलब बिल्कुल इस तरह के बने हुए जैसे हम घर में खा रहे होते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने पाए उधर भी खाए हैं, मैंने पाए इधर भी खाए हैं, चने उधर भी खाए हैं, चने इधर भी खाए हैं। तो मैं बोलूँ कि अगर आपको कराची के अंदर लाहौर वाला फ्लेवर चाहिए, टेस्ट चाहिए, यू हैव टू कम टू दिस प्लेस। जो कराची के चने होते हैं उसमें ना पाए का शोरबा नहीं डलता, लेकिन जो लाहौरी चने होते हैं, यहाँ आपको अगर कोई लाहौरी बंदे को जज करना है ना, तो हमेशा चनों में पाए का शोरबा आपको डाल के देगा। फुल देसी तरीके से जो है ना नली निकल रही है, लेवल चेक करें ज़रा आप, ये देखें, साथ में बोंग का गोश्त है, क्या लजीज ये पाए लग रहे हैं। मैं आपको सही बता दूं, एक ही चीज़ से जज करूंगी मैं पाए को, कि इनमें चिपचिपाहट कितनी है। ये मैंने अपने अबू से सीखी थी ये चीज़, हर जगह अब यूज़ करती हूं। अच्छा भाई, ये ना बोंग का गोश्त फुल मैंने नहला दिया है, क्योंकि वरना मुझे पता कैसे चलेगा फिर। और हम थोड़ी सी इसमें नली उठा लेते हैं। बकरे इतने पाए बनते हैं ना ताज़े गोश्त के,
लिटरली पाए का वैसा टेस्ट आ रहा है, क्योंकि पाए की असली निशानी ही यही होती है कि आपके हाथ चिपचिपा जाए, आपके होंठों पे एक चिपचिपाहट आ रही हो, टेस्ट बिल्कुल ऐसे आ रहा हो जैसे आप जो है इस वक्त बोन्स जो आप हड्डियों का सूप पी रहे होते हैं ना, वो कोई अलग ही लेवल का हो, क्योंकि उसके अंदर फिर सीजनिंग होती है, सारा कुछ होता है, टेस्ट चिपक जाएगा क्योंकि वो ग्लू की तरह चिपचिपाहट बिल्कुल काम करती है। देखें ज़रा। अच्छा भाई, ये मक्खन मार के जो है ना इन्होंने यहाँ पे मुझे ये दी है तड़के वाली दाल, और लेस चेक कर रहे हैं आप, ये देखें ज़रा, दाल में हलीम जैसी लेस है, और कुछ लोग यहाँ को ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे हलीम मिल रहा है, पर नहीं, ये बिल्कुल लेस वाली अच्छी प्रॉपर घोटे वाली यहाँ पे दाल है। वैसे एक बात है, अल्लाह पाक ने जितने भी खाने रखे ना दुनिया के अंदर, हर खाने का अपना एक मुख्तलिफ टेस्ट है, एक अपना मुख्तलिफ कल्चर है, और उसी कल्चर को प्रमोट कर रहा है मेटा फूड हर तरह से विद वेयर्स द फूड। भाई ये मक्खन था, उसको मैंने साग में मिक्स किया है। अच्छा भाई, हमारे यहाँ पे लस्सी का ग्लास आ चुका है, सही है जी, और पेड़ा भी है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो खोए वाला पेड़ा होता है ना, जो बहुत ज़्यादा पकाया हुआ होता है, वो यहाँ पे ही ये लोग देते हैं पूरे कराची के अंदर। खोए वाली लस्सी पीनी हो, पेड़े वाली लस्सी पीनी हो, तो भाई इधर आएँ और इधर आके पिएँ। ओए होए होए होए, ये देखें ज़रा कि फिर ना लस्सी का ऑथेंटिक टेस्ट आपको पता चल रहा होता है, वरना बर्फ़ के अंदर होता है वाटर कंटेंट, और आपकी जो लस्सी होती है वो हो जाती है पतली, और ये मीठी लस्सी है, सही है जी। तो अगर जिसको यहाँ पे नमकीन लस्सी करनी हो, पीनी हो, वो पहले ही यहाँ पे बता दें। ओके, यक ठंडी है, लस्सी हो रही है, और पेड़ा जब मेल्ट होके आ रहा है ना स्ट्रॉ के अंदर, ओए होए 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 होए, वो क्या कहता है आशिर, अखीर कर दिया। सब फड़िया जा रहा है, लाहौरी नाश्ता फड़िया नहीं जा रहा। तो भाई आपसे मुलाकात होती है कॉमेंट सेक्शन से फूड ब्लॉग में। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर इज द फूड, मेटा फूड। चाओ। Hey, 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 hey